Hi everyone, my name is Pranali. Aaj hum sikhne wale hain northwest corner method. Humne ye problem diya hai. Sabse pehle ise solve karne se pehle hame ye check karna padta hai ki jo hamara transportation problem hai wo balance hai ya unbalance hai. To chalo hum dekhte hain ki hamara problem balance hai ya unbalance hai. सप्लाई और डिमांड हमने यहाँ लिखा है और उसकी एडिशन किए तो हमारा आंसर आता है 120. दोनों का आंसर 120 आता है. बोथ वैल्यू आर इक्वल. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है. टीपी इज बैलेंस. हमने ये टेबल नीचे फिर से बनाया है. जो हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साइड है, साइड में जो वैल्यू आती है उसे हम फर्स्ट एलोकेशन करेंगे. सो हमारी कौन सी वैल्यू है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साइड? 6. जो हमारा सप्लाई और डिमांड दिया है उनमें से जो लेस वैल्यू है, वो हम यहाँ अंदर लिखेंगे, उससे एलोकेशन करेंगे. 35 एंड 30 which is less 30. So 30 minus 30 is 0 and 35 minus 30 5. ये 0 आया है इसलिए हमारी ये रो कैंसिल होगी. नेक्स्ट 5. 40 एंड 5 which is less 5. 5 minus 5 is 0 and 45 minus 5 is 35. ये 0 है इसलिए हमारा कॉलम कैंसिल. नेक्स्ट 11. 35 एंड 28 is लेस वैल्यू. 28 minus 28 is 0. 35 minus 28 7. 0 आया है इसलिए हमारा ये कॉलम कैंसिल हो गया. नेक्स्ट 9. 7 एंड 32 विच इज लेस 7 इज लेस. 32 माइनस 7 25. 7 माइनस 7 0. ये रो कैंसिल. टू वैल्यू आर रिमेनिंग 35 एंड 50. सॉरी 25. 25 माइनस 25 इज 0 एंड 50 माइनस 25 इज 25. 0 आया है इसलिए हमारा ये कॉलम कैंसिल. 25 and 25 both value are equal. 25 minus 25 0. 25 minus 25 also 0. Cancel. ये देखो सारे 0 आए हमारे. अब हम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 28 प्लस 9 इंटू 7 प्लस नेक्स्ट 7 इंटू 25 प्लस नेक्स्ट लास्ट 13 इंटू
25। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी फाइनल आंसर आता है 1076। थैंक्स फॉर वॉचिंग।